हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। और जो ये टॉपिक जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का जो नाम है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। और टॉपिक का जो नाम है आप लोग सभी जानते हो और हम लोगों ने पढ़ा भी है, और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है दोस्तों जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, टॉपिक जो है इसका नाम मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। टॉपिक का नाम है दोस्तों, हम लोगों ने इजी वे में बहुत सुना भी है, द टॉपिक्स नेम इज द वॉइस। ठीक है दोस्तों, वॉइस का नाम हम लोगों ने अच्छी तरीके से सुना है, और ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जहाँ पर कि वॉइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आता हो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ओनली एंड ओनली दैट व्हाट इज अ वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव व्हाट इज पैसिव। आज हम लोग केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉपिक है वॉइस, चाहे आप लोग कोई सा भी एग्जाम देख लो, रीट का जो लेवल फर्स्ट है वहां पर भी, फर्स्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश की है वहां पर भी रीट से रिलेटेड 4 or 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज वॉइस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर जो लिए थे वहां पर बताया था आपको कि नरेशन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ड्स पर मैंने चर्चा की थी, वैसे ही मैं वॉइस की भी यहां पर चर्चा करता हूं। वॉइस दोस्तों, इट इज अ टाइप ऑफ अ वर्ब। क्या है दोस्तों? इट इज अ टाइप ऑफ अ वर्ब, एक प्रकार की दोस्तों ये एक वर्ब है। वर्ब मतलब की क्रिया है जो कि इंक्लूडिंग करती है, इंक्लूड करती है दोस्तों। क्या करती है? इंक्लूड। क्या करती है? इंक्लूड रिलेशंस बिटवीन। देखो दोस्तों, ये जो वॉइस है ये एक वर्ब है जो कि इंक्लूड करती है हम लोगों के लिए रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट, बिटवीन अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको जो शो करवाता है दैट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस एक प्रकार की वर्ब है दोस्तों, ठीक है, जो कि रिलेशन दिखाएगा हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के बीच में और एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में दोस्तों। तो हम लोगों को जानना है कि वॉइस जो है हम लोगों के लिए, वॉइस जो है 2 types में है दोस्तों। वॉइस के हम लोग अगर बात करें तो वॉइस इज डिवाइड इन 2 parts दोस्तों। वॉइस जो है 2 भागों में डिवाइड है दोस्तों। हम लोगों ने इजी वे में सभी नाम भी सुने हुए हैं। एक वॉइस जो है जिसको कि हम लोग जानते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। दोस्तों, एक और बात करें हम लोग तो दूसरे का जो नाम है दैट विल बी द पैसिव वॉइस। एक दोस्तों हम लोग आगे और बात करेंगे जब एंड में जब चलेंगे हम लोग, एक वॉइस और है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल वॉइस, इसलिए मैंने उसका नाम बिल्कुल मिडल में रखा है दोस्तों। ठीक है, तो दोबारा से आई एम गोइंग टू रिवाइज हियर। वॉइस अ वर्ब है, इंक्लूड करता है रिलेशंस बिटवीन अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वी डिवाइड वॉइस इन 2 parts, मेनली तो 2 parts है, लेकिन हम लोग जब इसको डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं एक पार्ट और होता है दैट इज कॉल्ड द मिडल वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर केवल और केवल एक्टिव और पैसिव की ही बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वी हैव टू नो That what is active voice and what is passive voice। तो दोस्तों, हर कोई एग्जाम में जरूर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि active voice क्या है और passive voice क्या है। जैसा कि दोस्तों नेम से हमको पता लग रहा है ये active है और ये passive है। अगर मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूं आप लोगों के लिए तो इसका मतलब है सक्रिय। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? इसको हम लोग बोलेंगे सक्रिय। और हम लोग voice को अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। हिंदी अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वाच्य। ठीक है दोस्तों, एक्टिव है फर्स्ट और दूसरा है पैसिव। पैसिव को दोस्तों अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो इसको बोल देंगे निष्क्रिय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, वॉइस को हम लोगों ने 2 parts में डिवाइड किया, एक एक्टिव वॉइस में और एक हम लोगों ने इसको पैसिव वॉइस में डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव वॉइस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो है सब्जेक्ट
एक्टिव वॉइस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर फोकस होगा दोस्तों, फोकस किस पे होगा, सब्जेक्ट पर फोकस होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट पर यहां पर फोकस होगा एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट पर फोकस होगा, जबकि यहां पर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट पर तो फोकस होगा लेकिन यहां पर वर्ब पर फोकस ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो सब्जेक्ट है ये प्राइमरी है दोस्तों, यहां पर जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, मींस इसको प्राथमिकता देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करें पैसिव की, पैसिव में जो फोकस कर रहे हैं हम लोग वर्ब पे, ठीक है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सेकेंडरी है दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वो यहां पर सेकेंडरी है, मींस यहां पर सब्जेक्ट का यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोगों को कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाना हो इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस, और वहां पर वर्क दिखाना हो तो वहां पर हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं दोस्तों। आजकल हम लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन से ये नहीं आता कि एक्टिव से आप लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म करो या एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, ये क्वेश्चन से नहीं आता, तो एग्जामिनर भी आजकल हम लोगों से कनिंगली क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफॉर्म द वॉइस, केवल यही देने लग गया वो, ट्रांसफॉर्म द वॉइस। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों के लिए पहचानना कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो दोस्तों एक बार आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे दोस्तों, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इज इट अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किस पर फोकस किया गया है, ये हम लोग यहां पर कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को कैसे पहचान सकते हैं, एक बार बात करते हैं दोस्तों। एक बात दोस्तों आप लोग नोट डालकर एक और लिख लें कि जो पैसिव वॉइस जो बनेगा वो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है दोस्तों, कौन सी वर्ब्स का बनता है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को जानना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्या, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब की हम लोग बात करें तो दो तरीके की वर्ब, एक तो होता है दोस्तों ट्रांजिटिव, एक तो दोस्तों हम लोगों का होता है ट्रांजिटिव, और दोस्तों हम लोग एक और बात करें दैट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव। दोस्तों अगर हम लोगों के पास में ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का बात करें हम लोग तो इसका मतलब होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और इसका मतलब होता है दोस्तों अकर्मक। एक तो है दोस्तों सकर्मक क्रिया और एक है हम लोगों के पास में अकर्मक क्रिया। दोस्तों हम लोग समझे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया का बात करें हम लोग तो ये अपने साथ में दोस्तों ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेगा दोस्तों। हम लोग बात करें तो ये अपने साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा और वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा दोस्तों। वॉइस, ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग बात करें कि पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें नहीं है वहां पर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं,
बर्ड्स फ्लाई। एक तो दोस्तों ये एग्जांपल है, एक और लिखता हूं मैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों यहां पर बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है दोस्तों, फ्लाई जो है वर्ब है, मींस इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। दूसरी करें हम लोग तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है दोस्तों, इन द स्काई, ये हम लोग एडवर्ब्स आगे बात करेंगे दोस्तों, हम लोग वेयर का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दोनों की हम लोग बात करें तो दोनों ही यहां पर इंट्रेंजिटिव वर्ब्स हैं दोस्तों। कौन सी है? इंट्रेंजिटिव। जब इंट्रेंजिटिव है दोस्तों तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है। फिर तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के लिए, शी रेड द न्यूज़पेपर, शी रेड द न्यूज़पेपर, वह क्या पढ़ती है, व्हाट का रिप्लाई जब हमको मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग बात करें कि यहां पर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, मींस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो कौन सा वर्ब हो जाएगा यहां पर? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, देखो दोस्तों अब बात यह आती है कि हम लोग पैसिव वॉइस में हैं या एक्टिव वॉइस में हैं उसको पहचानेंगे कैसे। बात हम लोगों के लिए आती है कि हम लोगों का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, तो हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको जब पहचानेंगे तो दोस्तों हम लोगों के पास में दो तरीके हैं हम लोगों को कि हम लोग एक सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक्टिव का है या पैसिव का है दोस्तों। तो दो तरीके जो है, एक बार हम लोग दोनों की यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। एक हम लोग बात करें तो हम एक तो उसकी पहचानते हैं मीनिंग से, कैसे दोस्तों? एक तो हम पहचानेंगे उसके मीनिंग से और एक हम पहचानते हैं दोस्तों उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है दोस्तों। हम कोई भी सेंटेंस को दो तरीके से पहचान सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, एक तो उसके मीनिंग से और एक दोस्तों उसके हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू हम पहचानेंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं मीनिंग से कैसे पहचानें। मीनिंग से पहचानें दोस्तों हम लोग जब उस सब्जेक्ट, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो एक्चुअल डूअर है, क्या है दोस्तों? डूअर है, या डूअर को हम लोग एक बार बात करें तो वो एजेंट है दोस्तों। अगर कोई भी सब्जेक्ट का जो डूअर है या एजेंट है वही कार्य को करने वाला है दोस्तों, तो वहां पर हम लोग कौन सी वॉइस हो जाएगी वहां पर? वहां पर दोस्तों एक्टिव वॉइस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें यदि कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, या हम लोग बात करें किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो डूअर या एजेंट नहीं है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये हम लोग बात करें एक्टिव वॉइस की और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। अगर कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर से कैसे पहचानेंगे हम लोग? यदि कोई भी सेंटेंस का पैटर्न या सिस्टम ये दिया हुआ है दोस्तों, बी प्लस वर्ब थर्ड, इसको मैंने रेड में इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको इजी वे में पहचान सकें, बी प्लस वर्ब थर्ड है दोस्तों, तो वो जो पैटर्न जो होगा वो पैसिव वॉइस का होगा दोस्तों। कौन सा होगा? पैसिव वॉइस का होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक्टिव वॉइस क्या है? मीन्स जब सब्जेक्ट जो डूअर है एक्चुअल वर्क कर रहा है वहां पर, और जब उस पर वर्क करवाया जा रहा है तो पैसिव वॉइस, और खुद वर्कर जो है मींस जो डूअर है खुद वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूं आई राइट अ लेटर,
मैं एक लेटर लिखता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसी को बात कहूं अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो मेरे पर काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। एक तो हम लोग इसको पहचाने कैसे, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें दोस्तों। आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वी कैन आइडेंटिफाई बाय मीनिंग और बाय अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग में क्या देखें, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है या एजेंट, खुद ही है वो, तो वहां पर वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर या एजेंट नहीं है, मींस उस पर काम करवाया जा रहा है, तो वहां पर वो पैसिव वॉइस होता है। ऐसे ही हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में बी प्लस वर्ब थर्ड दी हुई है दोस्तों, तो वहां पर पैसिव वॉइस का यूज होता है। आप में से कई भैया पूछ सकते हैं कि सर ये बी क्या है। बी जो वर्ब है इसमें टोटल इसकी 8 फॉर्म्स होती हैं, उन पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि वो 8 फॉर्म्स हैं कौन कौन सी, बी फॉर्म्स होती कौन कौन सी हैं। एक तो बी खुद है दोस्तों, एक हम लोग बात करें इसकी प्रेजेंट में बात करें इज, एम और आर। पास्ट में बात करें दोस्तों तो वॉज और वर, ठीक है दोस्तों। एक इसकी फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड बीइंग, और एक फॉर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड द बीइंग। हम लोग अगर देखें तो इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक खुद 8 फॉर्म। ये 8 फॉर्म्स का यूज किसी स्ट्रक्चर में हो रहा है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है दोस्तों, तो हम लोग वहां पर उस सेंटेंस को पहचानेंगे और वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा दोस्तों। आप लोग इस पूरे पिक्चर का एक बार स्क्रीनशॉट लें। ओके दोस्तों, हम लोग आगे की बात करते हैं कि हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वी कैन ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। तो दोनों तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। आज की हम लोगों की क्लास जो है केवल और केवल इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है दोस्तों। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई लेक्चर दैट टूडेज क्लास इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन एक्टिव और पैसिव वॉइस जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम लोग केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग केवल और केवल इसके 5 रूल्स हैं, आपको वो क्रैम करने हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर हम लोगों को कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना है दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाना है दोस्तों, तो दोस्तों वी मस्ट फॉलो 5 रूल्स एंड दीज रूल्स आर सो इजी दोस्तों, यू कैन इजिली क्रैम दीज टाइप ऑफ रूल्स दोस्तों। 5 रूल्स हैं, आप लोग टिप्स पर, उंगली की फिंगर टिप्स पे आप लोग इजी वे में लर्न कर सकते हैं दोस्तों। एक तो है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, एक्चुअली एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन दीज डेज एग्जामिनर कनिंगली ऑफन क्वेश्चंस दैट ट्रांसफॉर्म, एक ही वर्ड देता है वो लिख करके ट्रांसफॉर्म, ये नहीं देता कि एक्टिव से पैसिव करो या पैसिव से एक्टिव करो। तो हम लोगों को ये पहचानना है कि वो एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है दोस्तों। 5 रूल्स हैं, हम लोग एक बार देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट, सबसे पहला जो रूल है बिल्कुल इजी है, हमको क्या करना है इसमें, कोई भी सेंटेंस जो है उसके हम लोग ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग उसके सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे दोस्तों। फर्स्ट रूल इज दैट। सेकंड, अगर हम लोग रूल की बात करें तो दोस्तों एज आई टोल्ड यू बिफोर बी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। थर्ड रूल जो है दोस्तों, वहां पर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फोर्थ जो रूल है दोस्तों, वहां पर हम लोग बाय का यूज करेंगे। नंबर फिफ्थ, अगर मैं रूल की बात करूं आप लोगों से तो दोस्तों हम लोग यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे दोस्तों। दीज आर 5 रूल्स, और आप लोगों को ये 5 रूल्स अच्छी तरीके से
लर्न भी कर लेने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इजी है और इजी रूल्स आपको इजी वे में लर्न भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वी हैव दीज फाइव रूल्स। ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें। बी, बी एज आई टोल्ड यू कितनी फॉर्म्स में है दोस्तों, एट फॉर्म्स में है, मैंने बताया एट फॉर्म्स की हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे, बाय का यूज करेंगे, और हम लोग बात करें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। आप लोग फटाफट से लिखें, फिर हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक्टिव और पैसिव का यूज कहां पर होता है, या पैसिव वॉइस का यूज हम लोग कहां पर करते हैं और क्यों हमको करना चाहिए। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट। एक एग्जांपल में दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं, इसको आप लोग देखें कि ये सही है या किस तरीके से बोला जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एट द प्रेजेंट टाइम, कोरोना टाइम चल रहा है और ये वर्ड बहुत ऑफन बोला जा रहा है, यू आर फायर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगर इस सेंटेंस के पैटर्न को देखें तो वी है प्लस वर्ब थर्ड है, मीन्स ये पैसिव वॉइस है। हमको यहां पर ये बताया यू आर फायर्ड, फायर्ड का दोस्तों हम लोग बात करें यू आर डिसमिस्ड, यू आर डिसमिस्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक्टिव एक्टिव वॉइस की जगह पर पैसिव वॉइस का यूज करना ज्यादा प्रीफर बताया गया है। क्यों? यू आर फायर्ड, आपको निकाल दिया गया है। ये यहां पर जरूरत नहीं है कि किसने निकाला, डूअर कौन है, उस पर एक्शन, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बजाय यहां पर फायर्ड वर्ड को फोकस किया गया है, वर्ब को फोकस किया गया है, तो यू आर फायर्ड। तो यहां पर ये लिखने से कोई मतलब नहीं है या यहां पर इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अगर यहां मैं लिखता हूं इसको द बॉस, फायर्स यू। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये सेंटेंस इतना प्राइमरी नहीं है जितना कि यहां पर इसका जो इमेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम लोग इस तरीके के सेंटेंस को लिख देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड। तो दोस्तों हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, आर दिया हुआ है और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है दोस्तों, तो ये पैसिव वॉइस है दोस्तों। कौन सा वॉइस है दोस्तों? पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखें कि यहां पर अगर मैं लिखता यू आर बीइंग वॉच्ड, यहां पर अगर मैं लिखता द कैमराज आर वॉचिंग यू, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था दोस्तों। यहां पर ये वर्ड सेंटेंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इस सेंटेंस को लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों, एक इसी तरीके का एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं देता हूं, जिससे कि आप लोग इजी वे में पहचान भी पाओगे कि हम लोग इसको इसका यूज क्यों करते हैं। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड, द ऑफिस विल बी क्लोज्ड एट 6 PM, That is another example for you दोस्तों। आप लोग पहचाने, will be आप लोग देखें यहां पर verb की third form है दोस्तों और be लगी हुई है, be plus verb की third form है, तो you have to learn that is the passive pattern। कौन सा pattern है दोस्तों? ये pattern जो है ये passive voice का pattern है दोस्तों, आप लोगों को पहचान में आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ऑफिस को कौन खोल रहा है कौन बंद कर रहा है, नो, यहां पर एक्शन है, क्लोज पर फोकस ज्यादा किया गया है। ऑफिस जो है 6 बजे बंद हो जाएगा, कौन कर रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्क इज इंपॉर्टेंट, मींस वर्क इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इनका यूज करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज कहां करते हैं, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, अच्छी तरीके से लर्न हो जाना चाहिए दोस्तों। आई एम गोइंग टू राइट हियर सम एग्जांपल्स,
एंड यू आइडेंटिफाई दैट इज इट रिलेटेड इन अ एक्टिव और अ पैसिव वॉइस. आपको बताना है कि ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव का है या पैसिव का है. दोस्तों आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है सेंटेंस को. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए दे रहा हूं. आई राइट अ लेटर डेली. ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल तो ये है और आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं. हॉकी इज प्लेड बाय मी रेगुलरली. दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल. दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दें. आपको केवल यही पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है. दैट्स योर वर्क फॉर टुडे. ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे. दोस्तों आप लोगों से वही रिक्वेस्ट जो मैं करता आ रहा हूँ वो एक बार दोबारा से करता हूँ. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. दोस्तों सो आई होप आप लोगों को ये सारी क्लास जो आज मैंने आप लोगों को बताई समझ में आई होगी. दोस्तों थैंक्स अ लॉट, आपने इसको देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.